हेलो स्टूडेंट्स, कल हमारे पोल में अधिकतर बच्चों ने यह कहा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही 10th स्टैंडर्ड का वो टॉपिक है जहां पे उन्हें सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है। तो आज के इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ ऐसे सवाल चुन के करेंगे जहां पे आपको यूजुअली डिफिकल्टी होती है, बट उनको करने का हम बहुत ही आसान तरीका देखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेसन लगता बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें इस लेसन में आपको सिर्फ चार ही फॉर्मूले मेमोराइज करने हैं। वेरी क्विकली हम ये चारों फॉर्मूलों का रिकैप कर लेते हैं। जो फर्स्ट फॉर्मूला है, दैट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला ये बताता है कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट x1, y1, दूसरा पॉइंट x2, y2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज गिवन बाई डी इक्वल्स रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आपको यह बताता है कि दो पॉइंट अगर आपको दिए हैं, उन दोनों को एक लाइन सेगमेंट से जोड़ दो, एक तीसरा पॉइंट जो इस लाइन सेगमेंट को m:n रेशियो से इंटरनली डिवाइड करता है, इस पॉइंट का, इंटरनल डिविजन वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला बताता है। और यह फॉर्मूला आपके सामने है। सेक्शन फॉर्मूला से ही हम मिड पॉइंट फॉर्मूला डिराइव करते हैं, क्योंकि आखिर में मिड पॉइंट इज नथिंग बट 1:1 डिवीजन वाला जो पॉइंट है उसी को मिड पॉइंट कहते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। x1 y1 और x2 y2 का जो लाइन है उसका मिड पॉइंट होगा x1 + x2/2, y1 + y2/2। और इसके बाद आ जाता है फाइनल फॉर्मूला, जहां पे अगर आपको कोई भी तीन पॉइंट दिए हैं, a x1, y1, b x2, y2 और c x3, y3, इन तीनों पॉइंट को जोड़ के अगर आप एक ट्राइंगल बनाते हो, उस ट्राइंगल का एरिया आपके सामने जो फॉर्मूला दिया है उससे निकलता है। यह फॉर्मूला देखने में थोड़ा मुश्किल लगता है, और कुछ ही देर में एक प्रॉब्लम में मैं आपको बताने वाला हूं इस फॉर्मूले को हम आसानी से कैसे याद करें। सो नाउ यू हैव क्लियरली सीन द बेसिक फॉर्मूले जो आपको इस लेसन में लगेंगे। अब इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके हम कुछ ऐसे सवाल देखते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा लाइकलीहुड रखते हैं। सो लेट अस हैव अ लुक एट द फर्स्ट प्रॉब्लम। आपके स्क्रीन में जो प्रॉब्लम देख रहे हैं, इसमें आपको दिया गया है तीन पॉइंट, ए 0, -1, बी 2, 1, सी 0, 3। आपको पूछा गया है कि इन तीनों को जोड़ के जो ट्राइंगल बनता है उसमें हर साइड के मिड पॉइंट को अगर आप जोड़ोगे तो एक और ट्राइंगल बनेगा। उस नए ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना है। सो यू आर आस्क्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स। क्लियरली यहां पे आपको दो कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, और बोर्ड एग्जाम में ऐसे जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं उनमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। सबसे पहले आपको हर साइड का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा ताकि आपको नए ट्राइंगल का तीनों वर्टिक्स मिल जाए, और उसके बाद वंस वो तीनों वर्टिक्स मिल गए, एरिया का फॉर्मूला यूज करके हम उस नए ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। इसको करने का एक और आसान तरीका है, वो मैं एंड में आपको बताऊंगा। सो लेट्स डू द यूजुअल तरीका। तो हम सबसे पहले तीनों साइड्स का मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला हम जानते हैं, तो सबसे पहले हम ए बी का मिड पॉइंट निकालते हैं। सो लेट्स से ए बी का मिड पॉइंट हम मान के चलते हैं कि डी है, ठीक है। लेट्स से डी इज x1, y1, ये मेरे नए ट्राइंगल का पहला मिड पॉइंट है। अब ए और बी का मिड पॉइंट कैसे होगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला से मैं कह सकता हूं दैट डी का जो कोऑर्डिनेट है फ्रॉम द मिड पॉइंट फॉर्मूला होगा 0 + 2/2 और -1 + 1/2। तो 0 + 2/2 और -1 + 1/2, तो ये बन जाएगा 2/2 होगा 1 और -1 + 1 तो 0 होता है, तो ये हो जाएगा 1, 0। ये है डी का कोऑर्डिनेट। तो मुझे ए बी का मिड पॉइंट मिल गया। अब बी सी का मिड पॉइंट निकालते हैं। लेट्स अज्यूम दैट बी सी का मिड पॉइंट ई है और उसके कोऑर्डिनेट्स हम मान के चलते हैं x2, y2 है। तो BC का मिड पॉइंट निकालने के लिए जो E है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 2 + 0/2, 1 + 3/2। ये बन जाता है इक्वलेंट टू 1, 2। तो ये दूसरे साइड का मिड पॉइंट निकल गया। तीसरे साइड विच इज CA, CA का मिड पॉइंट हम मान के चलते हैं F है और उसके कोऑर्डिनेट्स हम मान के चलते हैं x3, y3 है। तो सिस्टमैटिकली हम सारे मिड पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद एरिया निकालेंगे। तो F का कोऑर्डिनेट हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूले से
जीरो प्लस जीरो अपॉइंट टू माइनस वन प्लस थ्री अपॉइंट टू, जीरो प्लस जीरो अपॉइंट टू माइनस वन प्लस थ्री अपॉइंट टू, ये हो जाएगा जीरो कॉमा टू अपॉइंट टू विच इज नथिंग बट जीरो कॉमा वन। तो मुझे तीनों पॉइंट्स मिल गए, इसका मतलब एक्स वन वन के बराबर है, वाई वन जीरो के बराबर है, एक्स टू वन के बराबर है, वाई टू टू के बराबर है, एक्स थ्री जीरो के बराबर है और वाई थ्री वन के बराबर है। नाउ इस फॉर्मूले से व्हाट वी हैव टू डू इज फाइंड द एरिया। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू। ये आप में से कुछ लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाए, इसको याद करने का तरीका बताता हूं मैं। वन टू और थ्री का आप एक साइकिल बना लीजिए, ठीक है। तो पहले एक्स वन आएगा तो वाई टू माइनस वाई थ्री हो जाएगा, एक्स टू आएगा तो वाई थ्री माइनस वाई वन हो जाएगा, और x3 आएगा तो y1 माइनस y2 हो जाएगा। जस्ट कीप ऑन मूविंग क्लॉकवाइज, आपका फॉर्मूला सही हो जाएगा। सो हमको बस वैल्यूज प्लग इन करने हैं, तो मैं वैल्यूज अगर प्लग इन करूं एरिया के लिए, डेल्टा ऑफ DEF जो मेरा नया एरिया है इज नथिंग बट हाफ x1 इज 1 टाइम्स y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 है 2 माइनस 1, तो हाफ ऑफ 1 टाइम्स 2 माइनस 1, ये पहला एक्सप्रेशन है। फिर सेकंड है x2, x2 है मेरा 1 प्लस वन टाइम्स वाई थ्री माइनस वाई वन विच इज वन माइनस जीरो, और फिर फाइनली एक्स थ्री है जीरो प्लस जीरो टाइम्स वाई थ्री माइनस वाई वन, जो भी है जीरो टाइम्स जीरो तो जीरो ही होता है। सो एसेंशियली दिस एरिया बिकम्स हाफ ऑफ वन इंटू वन प्लस वन इंटू वन विच इज टू, तो इसका एरिया हो जाएगा वन स्क्वेयर यूनिट्स। तो देखिए कैसे सिस्टमैटिकली हमने पहले एक एक करके मिड पॉइंट निकाला और उसके बाद मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिलके मिड पॉइंट्स वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया। ये है एक तरीका इसको करने का। देयर इज वन मोर वे ऑफ डूइंग इट, और उसमें थोड़ी ज्योमेट्री की इंफॉर्मेशन चाहिए। इस तरीके में हम एक छोटा सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हमको जो ओरिजिनल ट्राइंगल ए बी सी, लेट मी मेक द ट्राइंगल हियर, ये है ए, ये है बी, ये है सी। अब ए बी सी के कोऑर्डिनेट तो मैं जानता हूं, ये है जीरो कॉमा माइनस वन, बी है टू कॉमा वन और सी है जीरो कॉमा थ्री। अब मैं मिड पॉइंट्स को जोड़ू, हमने ज्योमेट्री में पढ़ा था कि ये इसके पैरेलल होता है, ये भी इसके पैरेलल होता है और ये भी इसके पैरेलल होता है, और इस ट्राइंगल का एरिया वन फोर्थ ऑफ ए बी सी होता है। तो आप ए बी सी के कोऑर्डिनेट से सीधा एरिया ऑफ ए बी सी निकाल सकते हैं, उसको फोर से डिवाइड करोगे तो भी आपको सेम आंसर ही मिलेगा। सो वी विल यूज द फैक्ट दैट ये जो सेंट्रल ट्राइंगल है उसका एरिया है वन फोर्थ द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। वो आपको प्रूव करना पड़ेगा ज्योमेट्री से बोर्ड एग्जाम में, यू कैन जस्ट राइट इट, बट दैट विल ऑल्सो गिव यू द सेम आंसर। तो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व द फर्स्ट प्रॉब्लम। सो लेट्स लुक एट दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में आपको बताया गया है कि आपके पास तीन पॉइंट है, ए के प्लस वन कॉमा टू के, बी थ्री के कॉमा टू के प्लस थ्री और सी फाइव के माइनस वन कॉमा फाइव के। आपको यह बताया गया है कि ए बी और सी तीनों कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, ए बी और सी एक ही लाइन में सिचुएटेड हैं। इस इंफॉर्मेशन से आपको के की वैल्यू निकालनी है। अब कोलिनियर वाले सवाल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और आप जब 11th स्टैंडर्ड में जाओगे यू विल लर्न अ लॉट ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स, बट 10th स्टैंडर्ड में देयर इज अ वेरी सिंपल फॉर्म इश्यू दैट वी विल यूज, कि जब ए बी और सी नॉन कोलिनियर होते हैं, जब कोलिनियर नहीं होते हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा, ए बी और सी एक ट्राइंगल बनाएंगे, करेक्ट। बट जैसे ही वो एक लाइन में आ जाते हैं, ये जो ट्राइंगल है ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तीनों एक ही लाइन में आ जाएंगे। तो उस जब ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल जीरो हो जाता है। सो द फैक्ट वी विल यूज इज, जब ए बी और सी कोलिनियर है, इसका मतलब है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जीरो के बराबर होता है। हमेशा जब भी कोलिनियर शब्द देखते हो, दिस इज व्हाट यू विल द फैक्ट दैट यू विल यूज, कि उन तीनों से जो ट्राइंगल बनता है उसका एरिया जीरो हो जाएगा। अब एरिया का फॉर्मूला तो हम पहले से ही जानते हैं, लेट्स राइट द एक्सप्रेशन। कोई भी अगर एक्स वन, मान के चलो कि ये एक्स वन वाई वन है, मान के चलो दूसरा पॉइंट एक्स टू वाई टू है, और मान के चलो कि तीसरा पॉइंट एक्स थ्री वाई थ्री है। जब भी आपको ये तीन पॉइंट मिलते हैं, हम जानते हैं एरिया का एक्सप्रेशन होता है हाफ ऑफ, पहले मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी सिखाया था, वी विल बेसिकली यूज वन टू थ्री को क्लॉकवाइज लिख देंगे ऐसे,
एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन से क्लॉकवाइज मूव करते जाओ प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू। ये होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का एक्सप्रेशन। आपको अभी बस x1, y1, x2, y2, x3, y3 का एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करना है और हमारे क्योंकि ये कोलिनियर है ये जीरो के बराबर होगा। दैट्स द फैक्ट दैट वी विल यूज। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट। हाफ ऑफ x1 मेरा हो गया k प्लस वन, k प्लस वन को मल्टीप्लाई किया मैंने y2 माइनस y3 विच इज 2k प्लस 3 माइनस 5k। ये मेरा पहला एक्सप्रेशन हो गया। दूसरा x2, x2 है मेरा 3k, 3k को मल्टीप्लाई किया मैंने y3 माइनस y1 से विच इज 5k माइनस 2k, 3k इंटू 5k माइनस 2k। और फिर x3 विच इज नथिंग बट 5k माइनस 1 इंटू x3 मल्टीप्लाई होता है y1 माइनस y2 से विच इज 2k माइनस 2k प्लस 3, 2k माइनस 2k माइनस 3 कॉमन हो जाएगा माइनस। सो दिस बेसिकली बिकम्स द बिग एक्सप्रेशन। द रीजन ये 3 मार्क का सवाल पूछा जाता है इसमें दो चीजें करनी है आपको, एरिया का एक्सप्रेशन में लिखना है उसके बाद एक इक्वेशन आएगा उसको सॉल्व भी करना है। लेट्स नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस। दिस बिकम्स हाफ ऑफ, ये सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा k प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2k प्लस 3 माइनस 5k हो जाएगा माइनस 3k प्लस 3, ये माइनस 3k और ये प्लस 3, 3k इंटू 3k हो जाएगा 9k स्क्वायर और वहां पे हो जाएगा 5k माइनस 1 इंटू माइनस 3। सो इट सीम्स लाइक वी विल प्रोबेबली गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, हाफ ऑफ यहां मैं 3 बाहर ले लेता हूं, दिस विल बेसिकली बिकम 3 इंटू 1 प्लस k इंटू 1 माइनस k विच इज 3 इंटू 1 माइनस k स्क्वायर। मैंने क्या किया यहां पे 3 को बाहर ले लिया और 1 माइनस k बचा और यहां पे 1 प्लस k है, ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो 1 माइनस k स्क्वायर बचेगा प्लस 9 k स्क्वायर और यहां पे बचेगा माइनस 15 k प्लस 3। ऐसे सवालों में बस मिस्टेक ना होगा इसका बहुत ध्यान रखना है बिकॉज यू माइट एंड अप मिसिंग सम नंबर और एक गलती हो सकती है लास्ट में। तो इसको और थोड़ा मैं एक्सपैंड करूं, आई एम जस्ट बेसिकली गोइंग टू इरेज दिस पार्ट एंड आई एम गुड कंटिन्यू हियर। यहां पे हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ 3 माइनस 3k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर माइनस 15k प्लस 3। ये जीरो के बराबर हुआ। सो मुझे एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। ये हाफ मैटर नहीं करता, वो वैसे भी जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस अंदर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है मुझे। सो दिस बेसिकली बिकम 6k² माइनस 15k, 6k² माइनस 15k प्लस 6 हो गया जीरो के बराबर। अब मुझे दो ऐसे नंबर निकालने हैं जिनका प्रोडक्ट सम 15 है और प्रोडक्ट 36 है, 6 इंटू 6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना ये आपने सीखा है। ये मैं अगर आपको बताऊं दिस बिकम 6k² माइनस 12k माइनस 3k प्लस 6 इज जीरो, क्योंकि 12 प्लस 3 15 होता है और 12 इंटू 3 36 होता है। तो दैट्स हाउ आई स्प्लिट द मिडिल टर्म। अगर आपको याद नहीं है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6k इंटू k माइनस 2 माइनस 3 इंटू के माइनस 2 इज जीरो। तो ये हो जाएगा 6k माइनस 3 इंटू के माइनस 2 इज जीरो। तो इसका मतलब या तो 6k माइनस 3 जीरो हो जाएगा या k माइनस 2 जीरो हो जाएगा। अगर 6k माइनस 3 जीरो हुआ तो इसका मतलब k हाफ है, ये एक सॉल्यूशन है। और अगर k माइनस 2 जीरो हुआ इसका मतलब k 2 के बराबर है। That basically means इस प्रॉब्लम में दो पॉसिबल solutions है k के या तो हाफ हो सकता है या k 2 हो सकता है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं इसमें कॉन्सेप्ट बड़ा छोटा है, कॉन्सेप्ट बस है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज जीरो, बट उससे आपको एरिया का कॉन्सेप्ट यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व करना पड़ता है। दैट्स वाई दिस इज समटाइम्स यूज एज अ 3 मार्क क्वेश्चन।
सो इस प्रॉब्लम में आपको बताया गया है कि P और Q दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो सेगमेंट AB को ट्राइसेक्ट करते हैं। A का कोऑर्डिनेट -2.0 है, B का कोऑर्डिनेट 0.8 है, और आपको यह भी बताया गया है कि P A के ज्यादा पास है और आपको इस इंफॉर्मेशन से P का कोऑर्डिनेट निकालना है। नाउ दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। आपको बस ये समझने की जरूरत है कि ट्राइसेक्शन होता क्या है। सो लेट्स ड्रॉ डायग्राम फर्स्ट। हमको A दिया है, हमको B दिया है, तो A और B को एक सेगमेंट जोड़ेगा। ट्राइसेक्शन, P और Q अगर ट्राइसेक्ट करता है मतलब P और Q AB को तीन इक्वल भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो सो ये एक भाग होगा, ये एक भाग होगा, ये एक भाग होगा। सो दीज आर द थ्री पार्ट्स व्हिच ट्राइसेक्ट एज द रिजल्ट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ AB। अब ये भी बताया गया कि P A के ज्यादा पास है, मतलब P यहां होगा, Q यहां होगा, करेक्ट। और इससे आपको P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सो ये लेंथ और ये लेंथ सेम है। हम मान के चल लेते हैं कि ये x है, ये भी x होगा और ये भी x होगा। तो हमको P के कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालें? तो यहां पे हमको सोचना है कि P AB को डिवाइड करता है इन द रेशियो 1:2, क्योंकि इस पार्ट का लेंथ x है, इस पार्ट का लेंथ x प्लस x 2x है। सो P डिवाइड्स AB इन रेशियो x अपॉन 2x, जो नथिंग बट इंटरनली, और x अपॉन 2x इज नथिंग बट 1/2। तो P का कोऑर्डिनेट डायरेक्टली सेक्शन फॉर्मूला से लग जाएगा। So P corresponds to mx2 plus nx1 upon m plus n, comma my2 plus my1 upon m plus n। यहां पे x1 ये है, ये y1 है, x2 ये है और ये y2 है। तो आपको बस मात्र फॉर्मूला लगाने हैं। फॉर्मूला मैं सब्स्टिट्यूट करूं, m is 1, n is 2, so it's basically 1 into x2 1 into 0 plus 2 into x1 is -2, 2 into -2 upon 1 plus 2, और ये हो जाएगा 1 into y2 1 into 8 plus 2 into 0 upon 1 plus 2। तो P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, इसको मैं सॉल्व करूं, -4/3, 8/3। ये है एक पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। आपको आप दूसरा भी निकाल सकते हैं। दूसरा Q डिवाइड करेगा AB को 2:1 के रेशियो में, और इसी से आप दूसरे का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। सो दिस इज वन मोर वेरी कॉमन टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो इस चैप्टर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूछा जाता है। इस सवाल में आपको चार पॉइंट्स दिए गए हैं, ए बी सी डी, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट वेरिएबल है, और आपको यह बताया गया है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, उससे ए और बी की वैल्यू निकालनी है। नाउ द फर्स्ट थिंग जो बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि ये जो ए बी सी डी है, अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी किस ऑर्डर में है। तो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि अगर पैरेललोग्राम का नाम ए बी सी डी दिया गया है तो वो उसी ऑर्डर में वर्टिसेस क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तरीके से होंगे। तो इसका मतलब A पहले आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा और फिर D आएगा। यू कैन राइट आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दोनों से आंसर सेम ही आता है। सो दिस इज बेसिकली द ऑर्डर ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। नाउ इससे आंसर कैसे निकालें? बहुत ही सिंपल है। पैरेललोग्राम की एक बहुत सिंपल प्रॉपर्टी होती है कि जो दोनों डायगनल्स हैं AC और BD, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सो द थिंग इज पैरेललोग्राम, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, डायगनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, ये पहला फैक्ट है। और दोनों अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब उनका कॉमन मिड पॉइंट है। इसका मतलब बोथ हैव अ कॉमन मिड पॉइंट। इसका मतलब जो AC का मिड पॉइंट है वही BD का मिड पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, A और C का मिड पॉइंट लिखते हैं। मिड पॉइंट ऑफ AC क्या हो जाएगा, 3 plus A upon 2 1 plus B upon 2, ये हो जाएगा A plus 3 upon 2 B plus 1 upon 2। ये है मिड पॉइंट ऑफ AC। मिड पॉइंट ऑफ BD
हो जाएगा 5 + 4/2 एंड 1 + 3/2 करेक्ट। तो इस और दोनों अगर सेम है इसका मतलब मैं कह सकता हूं a + 3 must be 9 5 + 4 एंड b + 1 must be 4 तो a 6 के बराबर है और b 3 के बराबर है। सो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। पैरेललोग्राम में हमेशा डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को और इसका मतलब कॉमन मिड पॉइंट है। तो जब भी आपको पैरेललोग्राम दिया गया है, चार वर्टिसेस दिए गए हैं, दिस इज द प्रॉपर्टी दैट यू विल यूज। सो आई होप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इन प्रॉब्लम्स को देख के, उनके सॉल्यूशन मेथड को देख के आपको थोड़ी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी एंड होप यू आर मोर कॉन्फिडेंट नाउ देन यू वर बिफोर। आपके अगर और कोई डाउट्स हैं प्लीज फील फ्री टू कॉमेंट इन द सेक्शन, कॉमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। हम ऐसे ही वीडियोस और चैप्टर्स के लिए भी बनाएंगे। सो टू स्टे अपडेटेड ऑन देम सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड करें। और जिन्होंने हमारे ऐप को डाउनलोड कर लिया है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऐप को रिव्यू जरूर करें।